Assalamu alaikum, dear students of class 4. I'm your teacher, Miss Maryam, from Anglo-Arabic High Secondary School. The subject is English. Today we are going to discuss unit number 2, and the name of the chapter is The Wooden Bowl. Wooden mean lakdi ka bana hua aur bowl mean ek pyala. We have three characters in this chapter. The first one is Kurt and his son Manfred and his daughter-in-law Thekla. They both are husband and wife, and his son Wilhelm. We have total 1, 2, 3, and 4 characters. The story took place in Germany. Then we have words meaning. First we will discuss the words meaning. The first one is clumsy, meaning inexpert. उर्दू में देखें तो इसको कहते हैं अनाड़ी, यानी जो अपने काम में एक्सपर्ट नहीं होता या उसको वो काम नहीं आता उसको अनाड़ी कहते हैं. The second one is carpenter, meaning is woodworker, यानी बढ़ई, लकड़ी के काम करने वाले को कारपेंटर कहते हैं. द थर्ड वन इज मील, स्नैक, यानी खाना. फोर्थ वन इज वरिड, अपसेट, यानी परेशान होना. द लास्ट वन इज वर्कशॉप, मीन फैक्ट्री या कारखाना जहाँ पे काम करते हैं, या बड़ई जहाँ पे काम करता है, लकड़ी की चीज़ें बनाता है, उसको हम कहते हैं वर्कशॉप. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. चैप्टर को मैं समराइज करती हूँ आपके लिए. इसमें ये है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि जर्मनी में कर्ट जो है वो रहता होता है किसके साथ, अपने बेटे मैनफ्रेड, अपनी बहू थेकला के साथ और अपने पोते विल्हम के साथ. ठीक है, अब क्या होता है कि कर्ट जो है वो बड़ई होता है, वो लकड़ी का काम करता है, लेकिन अब वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है तो अब उसका बेटा मैनफ्रेड काम करता है. दोनों, थेकला भी उसकी हेल्प करती है वर्कशॉप में, अब ये दोनों मिलके काम करते हैं वर्कशॉप में और लकड़ी की चीज़ें बनाते हैं. जैसे हम देखते हैं लकड़ी का फर्नीचर होता है और लकड़ी के टेबल चेयर, आपकी क्लासरूम में भी आप लोग देखते हैं टेबल चेयर्स हैं, तो इस तरह की लकड़ी की वो अशिया बनाते हैं और उस पर कार्विंग भी करते हैं, यानी कशीदाकारी भी करते हैं, डिफरेंट खूबसूरत कशीदाकारी उस पर करते हैं. हम देखते हैं कि ये यंग कपल बड़ी मेहनत से कारखाने में काम करता है दिन रात. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो घर वापस आते हैं मैनफ्रेड एंड थेकला, तो हम ये देखते हैं कि वो सब फैमिली मेंबर्स बैठ के खाना खाते हैं. अब जब वो खाना खाते हैं तो जो ग्रैंडफादर हैं, विल्हम के ग्रैंडफादर कर्ट, वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हैं और जब वो खाना खा रहे होते हैं मोस्टली क्या होता है कि उनके हाथ से चीज़ें गिर जाती हैं और टूट जाती हैं. मैनफ्रेड और थेकला बहुत गु़स्सा करते हैं, हमेशा जब भी उनसे चीज़ें गिरती हैं टूटती हैं वो बहुत ज़्यादा गु़स्सा करते हैं और उनको डांटते भी हैं कि आपने चीज़ें तोड़ दी हैं. वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हैं और उनके हाथ पाँव कांपते हैं, शिवरिंग करते हैं, तो मोस्टली उनके हाथ से चीज़ें, ऐसा होता है खाते खाते प्लेट गिर जाती है और बॉल गिर जाता है, कप्स गिर जाते हैं या खाना गिर जाता है, तो ये हम देखते हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है. फिर हम देखते हैं इस पेज नंबर 15, इस पे हम देखते हैं कि एक मर्तबा ऐसा होता है कि खाना खाते खाते कर्ट से प्लेट गिर जाती है और टूट जाती है. अब क्या होता है, मैनफ्रेड और थेकला साफ करते हैं, चीज़ें उठाते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. फिर वो क्या करते हैं, ये दोनों ये सोचते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम इनको सेपरेटली बिठाएंगे और सेपरेट
सेपरेट बैठ के वो खाना खाया करेंगे और उनको बाज़ार से एक नया वॉल ला के दे देते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो आम सा एक बॉल उनको ला के दे देते हैं, एक प्लेट उनको ला के दे देते हैं ताकि वो वहाँ पे बैठ के सेपरेटली खाना खाएं। लेकिन वो बहुत चीप होता है, बहुत सस्ता होता है और इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, जैसा कि हम देखते हैं चैप्टर में। फिर हम आगे पेज नंबर 16 पे आएँ, आप वहाँ देखें कि कर्ट बैठे आराम से खाना खाते हैं वहाँ पे, लेकिन वो बहुत सैड भी होते हैं क्योंकि उनको उनके पोते से मैनफ्रेड ने थेक्ला ने सेपरेट कर दिया। अब ये तीन एक जगह बैठ के खाना खाते हैं और कर्ट बैठ के सेपरेट खाना खाते हैं। ये बात फील जो करते हैं विलहम, बहुत फील करते हैं इस बात को। वो कहते हैं कि हमारे दादा अबू सेपरेट बैठ के खाना क्यों खा रहे हैं। जब उन वो देखते हैं कि ये दोनों यानी थेक्ला और मैनफ्रेड उनको डांटते रहते हैं, तो ये चीज़ फील करते हैं विलहम बहुत ज़्यादा। फिर क्या होता है कि विलहम एक दफ़ा हम देखते हैं कि गायब होते हैं। मैनफ्रेड काम से फारिग हो गए, मैनफ्रेड एंड थेक्ला जब आती हैं डाइनिंग टेबल पे, तो जब देखते हैं तो विलहम नहीं होता। जब वो कर्ट से पूछते हैं कि ये बच्चा कहाँ गया हमारा, तो वो कहते हैं कर्ट मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गया। सब उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। एट द एंड हम देखते हैं कि जो हमारी वर्कशॉप होती है, कारखाना जहाँ पे वो दोनों बैठ के काम करते हैं मैनफ्रेड और थेक्ला, तो वर्कशॉप में विलहम भी मौजूद होते हैं। वो वहाँ पे जाके देखते हैं कि विलहम कुछ काम कर रहे होते हैं। जब वो पूछते हैं विलहम से कि बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इट्स मील टाइम, आप आओ हमारे साथ मील खाओ, खाना खाओ, तो क्या होता है कि विलहम को जब देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो वो एक बोल बना रहा होता है, इट्स बोल। वो अपने दादा अबू के लिए एक प्यारा सा बोल बना रहा होता है ताकि मेरे दादा अबू उस चीप या उस सस्ते या उस आम से बर्तन में खाना ना खाएं, बल्कि मैं अपने दादा अबू के लिए एक बहुत प्यारा सा बोल बनाता हूँ ताकि मेरे दादा अबू बैठ के उसमें खाना खाएं। वो अपने दादा अबू से बहुत ज़्यादा अटैच होता है। अब वो उस पर काविंग भी कर रहा होता है, छोटे छोटे टूल्स हैम्बर उसको यूज़ करना आते हैं, क्योंकि वो विलहम अपने मैनफ्रेड फादर को काम करते हुए देखता है, इसलिए समटाइम्स उनकी हेल्प भी करता होता है चीज़ें इधर उधर देने में, तो इसलिए थोड़ा बहुत काम करना विलहम को आता होता है। हैमर यूज़ करना, सॉ यूज़ करना उनको आता होता है। ठीक है, सॉ वर्ड हम जब यूज़ कर रहे हैं SAW सॉ, इसको देखना भी कहते हैं, लेकिन जो यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है SAW सॉ, ये आरी को बोलते हैं। ठीक है, वर्ड आरी जो है कारपेंटर इसको यूज़ करते हैं, तो वो सॉ यूज़ कर रहा होता है, हैमर हथौड़ा भी यूज़ कर रहा होता है और प्यारा सा वॉल बना रहा होता है ताकि वो हमारे जो दादा अबू हैं उसमें खाना खा सकें। अब ये उसका प्यार है अपने दादा अबू के साथ। जब मैनफ्रेड और थेक्ला देखते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्यों कि वो ये देखते हैं कि हमने कितना बुरा सलूक किया अपने, मैनफ्रेड सोचता है कि मैंने अपने फादर के साथ कितना बुरा सलूक किया कि उन्होंने एक प्लेट जस्ट तोड़ी और मैंने उनको सेपरेट कर दिया, तो ये फील की मेरे बेटे ने बात। ठीक है, तो फिर उसने उसके आंखों में आंसू आ गए, वो अपने बेटे को साथ लेके गया और डाइनिंग टेबल पे दोबारा से अपने फादर कर्ट को वापस लेके आया और वो चारों विलहम, थेक्ला मदर, मैनफ्रेड फादर और ग्रैंडफादर कर्ट चारों मिलके वहाँ बैठ के डाइनिंग टेबल पे दोबारा से खाना खाने लगे। उन्होंने ये सोचा कि अब बेशक फादर से कोई चीज़ टूटे, हम उनको अपने से सेपरेट नहीं करेंगे। ये थी हमारी स्टोरी। थीम हमारा क्या है इस स्टोरी का, हम देखते हैं कि सबसे पहले तो देखें हमें चाहिए कि हमें बूढ़ों से सबसे पहले अच्छा सलूक करना चाहिए, हमें उनको डिसहार्ट नहीं करना चाहिए, उनको डिग्रेड नहीं करना चाहिए, बच्चों के सामने या किसी के भी सामने हमें उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, ना बच्चों की ना बड़ों की। ठीक है, और ख़ास तौर पे किसी भी बूढ़े शख्स की। अपने घर में आप देखें कि कोई भी आपके ग्रैंडफादर हैं, तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों के सामने कभी भी उनको गलत ना कहें।
और किसी के सामने भी उनको गलत ना कहें, क्योंकि ये फील करते हैं बच्चे और उन पर बुरा असर पड़ता है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।